हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम लोग बिलिंग करते हैं किसी एक बड़े डेटा को किस तरीके से हम लोग कंपाइल करें और उसको हम लोग बिल के फॉर्मेट में लेके आए। तो हमारे पास में बेसिकली जो डेटा होता है वो होता है DPR का, मतलब जो भी रोज़ की प्रोग्रेस हो रही है उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं, और रिकॉर्ड रखने के बाद में जब बिलिंग का पीरियड आता है तब हम वो सारा डेटा जो है उसमें से कुछ डेटा निकाल के और फिर हम लोग बिल बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए कि इतने बड़े डेटा को हम लोग कंपाइल कैसे करें, हर एक डेटा को हम लोग ले लेके उसको कॉपी कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग पूरा डेटा उठाएंगे, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी उसको उठाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग एक बड़े डेटा में से जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है वो आप उठा लें और उससे पूरा बिल बना लें। तो आप जो मेरे सामने अभी जो टेबल देख रहे हो ये एक SAP का डेटा है। अब ये SAP क्या होता है? SAP एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा मैनेज करता है। तो जो ये डेटा है वो SAP से उठाया गया है। आप चाहें तो इसको अपने लेवल पे भी रेडी कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है, DPR जो भी आ रही है, उसको आप लोग आपके एक पसंदीदा फॉर्मेट में उसको आप इंटर कर सकते हैं, जो आप बिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। अगर हमको सिर्फ़ और सिर्फ बिल के लिए इसको यूज़ करना है तो फिर हम लोग उस हिसाब से एक DPR का डेटा रेडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे जो भी डेटा हम लोगों को दिख रहा है उसमें से हमारे काम का डेटा हमको उठाना है। अब जब यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे DPR नंबर जनरेट हुआ है, एक RFI नंबर जनरेट होता है, उसके अलावा मटेरियल नंबर होता है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है, RFI किस डेट को चेंज हुई है, ये क्या है, SAP क्या है, पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें जितना भी हम लोग डेटा फीड करते हैं ये अलग अलग लेवल पे फीड होता है, जैसे कि साइट के लेवल पे अलग होता है, फिर जब ये प्लानिंग हेड के पास में या यूँ कहें कि एक ऑडिटर के पास में आता है तो उसके पास में भी उसको डेटा जो है वो मिलता है उसके हिसाब से। तो ये पूरा एक कंपाइलेशन होता है। जो ये RFI नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये साइट के लेवल से जनरेट होता है, और ये DPR नंबर आफ्टर ये RFI जब चेक होके अप्रूव हो जाती है तो ये DPR नंबर एक जनरेट कर देता है सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है, यहाँ पे कब ये RFI क्रिएट हुई थी, इंस्पेक्शन डेट क्या थी, मतलब जिस दिन कास्टिंग हुई या इंस्पेक्शन हुई उसकी डेट क्या थी, उसका RFI चेंज जब हुई इसका टाइम क्या था, DPR डेट क्या थी, मतलब जिस दिन को हम लोगों ने DPR अप्रूव करी है वो क्या डेट थी, उसके बाद में अप्रूवल स्टेटस क्या है, और ऐसा बहुत सारा डेटा आपको इस वाली शीट में देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, मोबाइल पे देखने में अच्छा नहीं दिखता है। तो ये इस तरीके से अब आपको थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा होगा। अब जैसे कि BOQ टाइप यहाँ पे ID दिखा रखा है, BOQ हेडर नंबर जो है यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये सब इंटरनल मैटर है, ये कंपनी के मैटर होते हैं, कंपनी के कुछ BOQ हेडर नंबर होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पूरे जो है DPR इंटर किए जाते हैं। तो ये पूरा डेटा यहाँ इंटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में BOQ का हेडर डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी अपने कैंप का कंस्ट्रक्शन करवा रही है तो वो 22 नंबर के कॉलम में उसका इंटरनल वर्क, तो ये असेसमेंट जब होगा कि ये कितनी क्वांटिटी लगी है और जो भी इंटरनल रेट्स होंगे कंपनी के उससे उनका कंपनी का कॉस्ट निकल जाता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो डेटा है वो बहुत सारे तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। अब ये BOQ आइटम नंबर ये भी एक इंटरनल आइटम नंबर ही है, BOQ आइटम नंबर की भाई कोई भी एक पर्टिकुलर काम है उसका आइटम नंबर क्या है ताकि उसमें कितना क्वांटिटी लगा है किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का वो पता किया जा सके। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा एक DPR बना है। ठीक है, कहाँ पे कौन से चैनल्स पे गया है, कौन से चैनल्स से गया है, कौन से चैनल्स पे गया है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये पूरा डेटा यहाँ पे है, लोकेशन, साइड और RA बिल कितने बन चुके हैं उसका डेटा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ रहा है, उसके अलावा वर्क ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का वर्क ऑर्डर नंबर, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। तो हमको इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे काम की चीज़ जो है वो उठानी है।
इस DPR में हम लोगों ने कितने नंबर्स, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम का, हो सकता है कि एक बॉक्स कलवर्ट की वॉल हो सकता है पाइप कलवर्ट की वॉल हो, या फिर हो सकता है कोई कैंप का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हो उसका कोई एक पर्टिकुलर आइटम हो, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कैनोपी बन रही है तो कैनोपी का वर्क हो गया, इस तरीके से बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो होते हैं। तो उसका ये भी एक यहाँ पर वर्क है कि एक नंबर है यहाँ पर और उसकी क्वांटिटी भी एक है, मतलब ये कोई नंबर्स में होगी क्वांटिटी, इस वजह से यहाँ पे वन दिखा रहा है। तो इसकी यूनिट भी जो है वो दी हुई रहती है, आपको पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसको हम लोगों को बिल बनाने में कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का जो बेसिक टास्क है वो है बिल बनाना। तो इतने सारे डेटा से हम लोगों को कौन कौन सा डेटा उठाना है जो हमारे काम का है, और उसको पूरा कंपाइल करके हम लोगों को बिल के फॉर्मेट में लेके आना है। तो अब ये पता चल गया आपको कि आपके पास में इतना बड़ा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा DPR है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर का DPR आपको दिख रहा होगा, ऐसे मतलब जो आप डेटा निकालते हो सॉफ्टवेयर से, या फिर जो आपके पास में DPR का डेटा होता है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, और उनके अलग अलग आप लोग कोड दे सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के नेम से, कि भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि उसका वर्क ऑर्डर से दे दिया आपने कि इसका वर्क ऑर्डर नंबर ये है इस कॉन्ट्रैक्टर का। तो इस तरीके से क्या है कि डेटा अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है, हम लोग यहाँ से जब फिल्टर करते हैं तो अपने आप वो डेटा हम लोगों को मिल जाता है जिस जो हमको चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का। अगर हम लोगों को डेटा चाहिए तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है, देखिए अब हमारे पास में इतना बड़ा डेटा हो गया, अब हम लोगों को ये डेटा कहाँ, एक एक्सेल शीट में जिसमें हम लोग बिल बना रहे हैं उसमें ले जाके आप लोग रख दीजिए। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा एक ये वाला जो बिल है जो मैं बना रहा हूँ, उसमें एक ऐसा आप लोगों को शीट बनाना पड़ेगा जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा रीड करवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है MS डोंट प्रिंट, मतलब ये मेजरमेंट शीट है, इसको प्रिंट मत कीजिए बिल में, क्योंकि मैं भी किसी और को भेजता हूँ चेक करके, मतलब ये एक ड्राफ्ट बिल होता है जो फिर हम लोग साइट पे भेजते हैं, और साइट वाले फिर जो है वो कंप्लीट बिल कॉन्ट्रैक्टर के साथ में पूरा वेरीफाई करके और वापस हम लोगों को रिटर्न भेजते हैं, फिर हम लोग अपने रिकॉर्ड में इसको रख लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत बड़ा डेटा है, आप जैसे कि देख रहे हो मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ तो कितना बड़ा डेटा है। तो ये आज तक का डेटा पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, लगभग ये कौन सी डेट तक का आप देख सकते हो, 5 तारीख तक का ये डेटा हमारे पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब इसमें से हम लोगों को काम का डेटा उठाना है, जैसे कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी बिल का डेटा चाहिए क्योंकि पिछले बिल्स हम कुछ बना चुके होते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कंपाइल करना है पूरे डेटा को, ताकि जो यहाँ से डेटा हम लोग उठा पाएँ वो सिर्फ और सिर्फ वही डेटा हो जो हमको इस बिल के लिए ही चाहिए हो, एक पर्टिकुलर बिल के लिए चाहिए हो, क्योंकि उससे पहले हम लोग बिल बना चुके होते हैं कुछ पिछले DPRs का, ठीक है। तो ये आपको आपके तरीके से निकालना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस पूरे डेटा को कंपाइल कर पाते हैं, और बार बार आपको फॉर्मूले भी चेंज ना करने पड़े, उसकी भी थोड़ी अगर मेहनत कम हो जाए तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। इससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जनरली करते क्या है, अब जैसे कि हम लोगों को कुछ डेटा चाहिए होता है जैसे कि DPR नंबर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करेंगे इस चीज़ को, और फिर जो भी हमारी मेजरमेंट शीट है उसमें ले जाके हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कॉपी किया फिर उसके बाद में ये वाला डेटा ले जाए, ये वाला डेटा उठाएंगे, तो इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अपने अपने सबके फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई कर सकता है कि यार मुझे इसमें परेशानी हो रही है तो जो जो कॉलम मुझे चाहिए मैं वही रख के बाकी के सारे डिलीट कर दूं, तो फिर वही दिक्कत कि हमेशा आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि आप लोग डेटा उठाएंगे फिर वो जितने भी कॉलम रहेंगे उनको डिलीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बार बार वही कि झंझट वाला काम है हमारे लिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी आसान बन जाए हमारे लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये पूरा हम लोगों ने डेटा यहाँ से उठा लिया पूरा कंप्लीट, हम लोग यहाँ एक्सेल शीट में ले आए। अब जो भी ज़रूरी डेटा जो हमको चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमको चाहिए एक DPR नंबर और RFI की डिटेल, भी हम लोगों को एक डिस्क्रिप्शन मिल जाए कि हम लोग जो है वो कौन सा काम जो है वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, और DPR डेट कब हुआ था वो काम, ये भी पता चल जाएगा। BOQ आइटम नंबर आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के केस में। तो ये तो अब जो भी आइटम है यहाँ पे, खैर यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि जो जो भी आपको डेटा चाहिए
वो यहाँ पे आ जाए, फ्रॉम चेनेज टू चेनेज, लोकेशन नेम मतलब कौन सा है, और उसके बाद में आर ए बिल नंबर कौन सा है जो यहाँ पे लिया गया है, कौन से आर ए बिल में हम लोग ये पूरा DPR मतलब ये जो है हम लोग क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर को दे चुके हैं, ठीक है। साइट कौन सी, LHS, वर्क ऑर्डर नंबर और वर्क ऑर्डर आइटम नंबर और ये सर्विस लाइन नंबर, मतलब ये कोई जैसे वर्क ऑर्डर में मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यूनिट हो गई, उसके बाद में नंबर्स, लेंथ, ब्रेड और हाइट, और उसके बाद में DPR की क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा क्या है, ठीक है, वर्क ऑर्डर आइटम नंबर और वर्क ऑर्डर सर्विस लाइन नंबर। तो यहाँ पे आ जाइए हम लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट शीट में, या इसको कहें कि BOQ बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट शीट तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग BOQ बोलते हैं। अब ये जो देख रहे हो ना आप 10 10, तो मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम नंबर हो गया, जैसे कि 10 हो गया, और 10-10 मतलब 10 और उसका एक सब आइटम 10, ठीक है। तो उस तरीके से 10 10 यहाँ पे खेरे, तो डेटा रीड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कोडिंग की हुई है, ताकि जब मैं डेटा रीड करूँ यहाँ पे इन कॉलम्स में तो वो इजीली रीड हो जाए बिना किसी दिक्कत के। तो ये पूरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी ज़रूर होगा लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे जितने भी हैं ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये एक पर्टिकुलर लाइन आइटम नंबर है और आइटम नंबर है, और इसके बाद में इसका एक सर्विस लाइन आइटम नंबर है, ठीक है। मतलब इसकी एक सब हेडिंग हो गई, ठीक है। मतलब जैसे कि लेबर चार्जेस करके एक आइटम हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, जैसे कि एक आइटम नंबर हो गया और उसके बाद में यहाँ पे 50-10 मतलब 50 और 50 का आइटम नंबर 10। तो 50 आइटम नंबर क्या, लेबर चार्जेस, और लेबर चार्जेस किस काम के लिए हो सकते हैं, कि अलग अलग पर्टिकुलर काम के लिए ये लेबर चार्जेस हो, जैसे कि यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए कोई लेबर चार्जेस हैं, जो कि केबल लेइंग के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत सारा डेटा आप लोग देखेंगे आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर आइटम हो गया यहाँ पे, ये मतलब एक सब कैटेगरी होगी, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर आइटम नंबर हो गया RMC प्लांट मिसलिनियस वर्क, और उसके अंदर आप देख सकते हो ये अलग अलग आइटम है, जैसे कि PCC कैंप वर्क की PCC आपको करना है, RCC करना है, ब्रिक मेसनरी करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे यहाँ पे। तो यही है वो आइटम नंबर, राइट। अब हम लोग चलते हैं मेजरमेंट मिल पे। अब ये सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये तो खैर जो डेटा लिख रखा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं वो डेटा हटा देता हूँ जो हम लोग इस बिल के अंदर बनाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ वही डेटा मैं यहाँ से हटाऊँगा, बाकी मैं सारा डेटा यहाँ पे रहने दूँगा, ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने कुछ डेटा हटा दिया है, वो कौन सा हटाया है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये सारा डेटा यहाँ पे लाना है 1 by 1, ठीक है। जैसे कि इस वाले कॉलम में हम लोगों को कोई डेटा लाना है, इस वाले कॉलम का कोई डेटा चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारे पास में जो ये वाली शीट है, ये वाली शीट से हम लोग किस तरीके से पूरा डेटा उठा के और इस वाली शीट में ईजिली ले आएँ, एक बार का काम है। एक बार जब हो जाएगा तो आप लोगों को फिर दूसरी बार कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में कि जो यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है इसको किस तरीके से हम लोग रीड करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को उसके लिए चाहिए, देखिए कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए जो कॉमन है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में है DPR नंबर कॉमन, ठीक है। इससे हम लोग पूरा डेटा यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस वाला कोई भी एक जो पर्टिकुलर ये DPR नंबर है इसका कोई भी डेटा हमको DPR के अंदर डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ही बार काम हुआ है एक DPR के अंदर, ठीक है। कोई दूसरा फिर DPR जनरेट होगा तो उसके लिए कोई दूसरा काम हुआ होगा, सेम काम रिपीट नहीं होगा। अगर हो रहा है तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम लोग चेक करते हैं कि ये वापस दोबारा क्यों हुआ जब हम लोग DPR अप्रूव करते हैं तब, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग प्रीफर करेंगे यहाँ पे DPR नंबर, और इस DPR नंबर से हम लोग ये सारा डेटा यहाँ पे लेके आएंगे, वो किस तरीके से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RFID डिटेल्स की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है, जो एक वी लुकअप का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, जूम इन करने पे भी ये बड़ा नहीं हो रहा है खैर। तो ये एक वी लुकअप का यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ से वो डेटा हम लोगों ने पूरा उठा रखा है, कहाँ से, इस वाली शीट से। अब ये किस तरीके से उठाना है, जिनको ये वी लुकअप नहीं पता है किस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा।
जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे देखिए, ये DPR नंबर है। इस DPR नंबर के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है और हमको पता नहीं चलेगा, हम लोग जब DPR नंबर ढूंढने निकलेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ये पता नहीं रहेगा कि हम लोगों को कौन सा DPR नंबर उठाना है। ये पता नहीं चल पाएगा कि भी पता ही नहीं है ना कि भाई कौन कौन सा डेटा हम लोगों को लेना है। तो ये अभी हम लोग फिल्टर आउट करेंगे उस डेटा को, उसके बाद में जो जो भी DPR नंबर हम लोगों को चाहिए वो सारा हम लोग कॉपी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को उसको कॉपी करना है और अपने आप ही ये सारा डेटा आ जाएगा, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है VLOOKUP का। VLOOKUP का फॉर्मूला क्या करता है, ये वर्टिकल जो वैल्यू है वो रीड करता है, जो भी हम लोग करवाना चाह रहे हैं रीड कोई भी एक चीज़ के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक ये DPR नंबर पकड़ लेता हूँ, ये वाली DPR नंबर में पकड़ लेता हूँ और इसका मुझे ये वाला डेटा चाहिए जो कि RFID डिटेल का है। तो VLOOKUP क्या करता है, एक बड़ा सा उसके पास में एक डेटा होता है, उसमें जो भी लेफ्ट वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास में ये DPR नंबर है, ठीक है, जो भी हम लोग डेटा रीड करवाने वाले हैं वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट में होगा तो ये सारा डेटा रीड हो जाएगा। तो क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हम लोग ये वाला डेटा यहाँ से उठा रहे हैं ताकि हम लोग जब वहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करें तो जो हम लोग डेटा निकालना चाहते हैं वो निकल जाए। अब मान लीजिए कि ये इतनी बड़ी रेंज है जिसके अंदर से हम लोग कोई डेटा उठाना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग ये 7 नंबर की सेल से, मतलब ये 7 नंबर का यहाँ पे जो हमारे पास में जितना भी रो है उसमें से हम लोग ये वाला डेटा उठाना चाहते हैं, तो ये VLOOKUP क्या करेगा, जैसे कि हम लोग उसको कमांड देंगे कि भाई हमको ये वाले DPR के लिए, एक पर्टिकुलर DPR के लिए ये डेटा चाहिए। तो ये कौन से कॉलम में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम से हमको डेटा चाहिए जो कि 7th रो का है इस DPR नंबर का। तो ये VLOOKUP फॉर्मूला ये काम करता है, यहाँ से आप लोगों को ये वैल्यू उठा के देगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे ये DPR नंबर क्योंकि यहाँ पे है तो हम लोग इसको कमांड देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है VLOOKUP, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, हम लोगों ने टाइप किया। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगने के बाद में इसके अंदर हम लोगों को इसकी स्ट्रिंग्स डालनी रहती है, मतलब अब ये बताएगा आपको कि सबसे पहले क्या डालना है आपको। तो आपको डालना है VLOOKUP वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग VLOOKUP वैल्यू, जिसको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के दिखा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है वो VLOOKUP वैल्यू है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ और अगर आपको दिखे अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे VLOOKUP, ठीक है, VLOOKUP में यहाँ पे मैंने लिखा और जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया आप देख सकते हो VLOOKUP के अंदर हम लोग एंट्री मार चुके हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई VLOOKUP वैल्यू। अब ये VLOOKUP वैल्यू कौन सी, हम लोगों को कौन सी वैल्यू देखनी है, तो हम लोगों को ये वाली वैल्यू जो है वो देखनी है किसी एक, अब ये टेबल अरे, मतलब किस में से देखनी है, तो ये टेबल अरे एक बड़ा सा डेटा जिसमें से मुझे ये वाली वैल्यू देखनी है और उस वाली वैल्यू को देखते हुए मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में उसी के सामने से डेटा उठाना है, ठीक है। तो अब ये टेबल अरे हो गया, तो टेबल अरे हम लोग अब यहाँ से पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक का हम लोगों को डेटा चाहिए, पूरा का पूरा ही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम लोगों के लिए ये आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं चलो ठीक है, ये जूम आउट नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ तक देखिए, ये लास्ट तक सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक ये DPR का डेटा है मेरा। अब मैं लगाऊँगा यहाँ पे कोमा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको डॉलर करके पूरा यहाँ पे इसको कर देता हूँ। वैसे तो ये ए से बी तक के जितने भी कॉलम्स हैं उससे ही रीड करेगा, फिर भी मैं सेफ्टी के लिए इसको फ्रीज़ कर देता हूँ, मतलब ये पूरी टेबल फ्रीज़ हो गई है। जैसे कि मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये पूरी टेबल फ्रीज़ हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो जो भी आपके कॉलम नंबर हैं, जो भी आपकी जैसे कि ए लिखा हुआ है तो उसके आगे आप डॉलर का साइन लगा सकते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे, उसके आगे, दोनों के आगे आप लोगों को डॉलर का साइन लगा देना है, ठीक है। ये आपने कर दिया, अब ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप लोगों को चाहिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोगों को चाहिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर अब क्या है, तो ये वो नंबर है जो आपको टेबल में से चाहिए। जैसे कि हम लोगों को टेबल में से कौन सा डेटा चाहिए था, जैसे कि ये टेबल का नंबर 1 नंबर का कॉलम हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6
सिक्स नंबर का डेटा हम लोगों को टेबल में से चाहिए, तो हम लोग सिक्स लिखेंगे, ठीक, सिक्स लिखा, उसके बाद में हम लोगों ने कोमा प्रेस किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट एंड फॉल्स मतलब एग्जैक्ट, तो हम लोगों को जो भी यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मिलेगा हम लोगों को डीपीआर नंबर का, वो हम लोग लेंगे यहाँ से और डेटा को उठा लेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सिक्स लिखा, सिक्स नंबर का जो भी कॉलम था उसमें से पूरा डेटा उठ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 9722 DPR नंबर का ये डेटा मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये भी आसान है ये करना, यहाँ से इस वैल्यू को कॉपी कीजिए, यहाँ पे लेके जाइए और बिल्कुल इसके बॉटम में इस वाली वैल्यू को आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो ये DPR नंबर, तो इसके लिए कोई चीज़ आप चेक करना चाह रहे होंगे तो वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हैं ये चीज़। इसको आप DPR नंबर को यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अब ये वाले कॉलम को यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके आप लोग जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क टेक्स्ट जो भी होगी वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ठीक है। अब जैसे कि दो डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेड कलर से दिखने लग जाएगी। अब ये जब यहाँ पे आपको रेड दिख रही है तो इस वाले अंदर जो भी वैल्यू होगी वो भी एक आपको रेड दिखेगी, ठीक है। तो उस पे चले जाइए तो वो आपको वैल्यू रेड दिखने लग जाएगी। आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक है। इसके सामने आप देख सकते हो PCC इन लॉन्ग वॉल फॉर RO रूम, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे PCC इन लॉन्ग वॉल फॉर RO रूम, ये हो गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डेटा रीड होता है, ठीक है। तो उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा जो है वो रीड करवाया हुआ है। तो अब देखिए, थोड़ी सी आसानी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कभी आपको जब फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 6 नंबर वाला कॉलम का डेटा है, ये 10 नंबर वाले कॉलम का डेटा है, ये 15 नंबर वाले कॉलम का डेटा है, ये 18 नंबर वाले कॉलम का डेटा है, ये 19 नंबर वाले कॉलम का, ताकि कभी भी आपको जब क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप लोग इजीली कर पाए कि हाँ ये इसी कॉलम से डेटा उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप देखोगे तो ये जैसे कि ये डेटा था ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ये एक रेंज से कोई डेटा उठाया हुआ है पूरा, तो ये इस तरीके से पूरा डेटा जो जो भी आपको चाहिए कौन से एक पर्टिकुलर कॉलम से, सिर्फ वही नंबर यहाँ पे एडिट कर दो, जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ये मैंने किया यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है और इसको मैं कर देता हूँ 10, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको कॉपी किया है तो ये एक सेल शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, ये शिफ्ट ना हो तो ये ए के आगे मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे कॉलम फ्रीज करना है, ठीक है। ये कॉलम मैंने जैसे ही फ्रीज कर दिया, अब देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ से ये वाला यहाँ पे कॉपी करता हूँ डेटा, तो यहाँ पे भी ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सिक्स वाले कॉलम का मुझे चाहिए 10 वाले कॉलम का डेटा उस वाली शीट में से, जो आपकी MS डोंट प्रिंट वाली शीट है उसमें से। अब देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उससे सही से ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज किया तो 2 तारीख का हम लोगों को ये DPR डेट दिखाने लग गया है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा डेटा आप देख सकते हो हम लोगों को रीड करवाना है, ठीक। अब ये तो हो गई बात कि आप लोगों को किस तरीके से पूरा डेटा क्विकली रीड करवा देना है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जब आप लोगों को करेंट बिल बनाना है तो यहाँ से पूरा डेटा आप लोग किस तरीके से फिल्टर आउट करोगे। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं RA बिल नंबर पे, जो बिल पहले बन चुके हैं उनका एक RA बिल नंबर जो है वो SAP जनरेट कर देता है और पूरा डेटा उसके अंदर रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर RA बिल नंबर का, कि जैसे कि ये वाला जो है वो RA बिल नंबर 1 में दे चुके हैं हम, तो इस तरीके से रहता है। तो जब इस बिल का बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, उसमें RA बिल नंबर जनरेट नहीं होगा, तो जो RA बिल नंबर जनरेट नहीं हुआ है उसका हम लोग डेटा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो उसकी सारी जितनी भी DPR नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी DPR नंबर थी वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिखने लग गई है, टोटल इतनी DPR नंबर हम लोगों को दिख रही है जिनका हम लोगों को बिल इस महीने बनाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई DPR नहीं है क्योंकि दूसरे सारे
DPR का एक RABIL नंबर जनरेट हो चुका है, मतलब वो पहले आ चुकी है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डुप्लीकेट है, ठीक है। इनको छोड़ के हम लोग देखेंगे कि क्या सारी है कि नहीं है, तो हम लोग वही यहाँ पे इस पूरे डेटा को हम लोग कॉपी करेंगे उधर में, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, वापस से हम लोग सेम DPR नंबर को बिल में तो नहीं दे रहे हैं वापस से रिटर्न में, तो वो भी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेटा पूरा कॉपी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक स्पेस बनाना पड़ेगा नीचे जो हम लोग मेजरमेंट डाल रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में स्पेस की कमी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट करके यहाँ पर हम लोग कितने हमारे पास में हम लोगों को मेज़रमेंट चाहिए वो सारे हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए काउंट है यहाँ पे 30 का काउंट है, मतलब हम लोगों को 30 रोज़ चाहिए, तो हम लोग 30 रोज़ ऐड करेंगे, राइट। तो एक हो गई है, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से आप लोग प्रेस करते जाइए। अभी देखिए हमारे पास में पूरा स्पेस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सबसे पहला DPR नंबर हम लोगों को यहाँ से इंटर करना है, इस वाले 304 में हम लोगों को सबसे पहला DPR नंबर एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग MS Dawn Period में जाएंगे, यहाँ से जितने भी DPR हम लोगों को कॉपी करने हैं वो सारे एक साथ कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ हो सकता है अलग अलग आइटम नंबर के हो, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग लास्ट में समरी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्विक और बहुत ही ईजी स्टेप हो जाएगा हमारे लिए जब हम लोग इस तरीके से बिल बनाएंगे, फटाफट बिल बनेगा। कोई भी डेटा आप लोगों को बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही बार पहले ही बिल में आप लोगों को मेहनत लगने वाली है। दूसरा बिल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 मिनट के अंदर रेडी करके और दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ 304 नंबर में, यहाँ से पूरी वैल्यू उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू पेस्ट कर दी है, तो अब मैं यहाँ से जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं नीचे में सेम डेटा रीड करवा सकूँ, ठीक है। तो ये सेम डेटा में इधर में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आप शिफ्ट प्रेस करके जितना भी आपको डेटा चाहिए जहाँ तक का चाहिए कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो जहाँ तक लास्ट डेटा है वहाँ तक आ जाता है, लेकिन ये बहुत नीचे तक हम लोगों को लेके चला गया है। डेटा इतना नीचे तक हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का डेटा चाहिए था, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये सारा डेटा यहाँ पे अपने आप रीड होके आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और आपकी ये टोटल क्वांटिटी जितनी भी है वो बिल में ऐड हो जाएगी, ठीक। ये इस तरीके से आप लोग अपना पूरा मेज़रमेंट जो है वो आप लोग डाल सकते हो इजीली यहाँ पे, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे तो आपको बिल बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये डेटा हम लोगों ने रीड करवाया हुआ है, ये वाला डेटा जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया हुआ है, अब ये डेटा हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर। जो ये 10-10 लिखा हुआ है आप देख सकते हो, जो ये 10-10 लिखा हुआ है आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख जाएगा मेजरमेंट बिल के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे सबसे शुरुआत में होगा ये 10-10, ठीक है। तो जो यहाँ से मैं पूरा यहाँ पे सम करूँगा क्वांटिटी का, जितना भी सम करूँगा मैं, वो कहाँ पे हो जाएगा, वो अपने आप रीड कर लेगा डेटा कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर, ठीक है। वो क्यों और कैसे रीड करवा रखा है चलिए ये भी बताता हूँ। अब देखिए ये तो क्या है, हम लोगों ने आर ए बिल में दे दिया है, अब हमको वो डेटा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिसका आर ए बिल नहीं है उसका ही डेटा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सम की कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि भाई कोई भी एक, जैसे कि ये वाला आइटम नंबर है, जैसे ये वाला आइटम नंबर है, ठीक है, जैसे 150-60 वाला एक कोई भी आइटम नंबर है, उसका हम लोगों को डेटा चाहिए जिसका आर ए बिल नंबर जनरेट नहीं हुआ हो, तो वो इस वाले बिल में चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग 150-60 वाले डेटा पे जो ऑलरेडी यहाँ पे रीड हो रखा है, आप देख सकते हो रखा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये सारी क्वांटिटी हम लोग रीड करवा सकते हैं। जैसे कि ये हो गई एक, ये वाला डेटा हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से एक यहाँ से मैं शीट को फ्रीज कर देता हूँ। अब हमको पता चल जाएगा, देखिए अप टू डेट तक क्वांटिटी क्या है, तो वो इतनी क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे ये क्वांटिटी अप टू प्रीवियस बिल की, और दिस बिल की क्वांटिटी ये है पूरी टोटल, ठीक है। तो अब ये हम लोग किस तरीके से रीड करवाएंगे उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। अब ये 20 बिल की क्वांटिटी, या यूँ कहें कि प्रीवियस बिल की क्वांटिटी कैसे निकल जाएगी,
अप टू डेट क्वांटिटी माइनस दिस बिल क्वांटिटी, ठीक है, उससे हम लोगों की प्रीवियस बिल में, कि या प्रीवियस बिल में कुछ गई है क्या, नहीं गई है तो बाकी की कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो अप टू डेट की क्वांटिटी मतलब ये कि पूरी की पूरी क्वांटिटी जो अभी तक हम लोग बिल में जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं इस बिल तक, ठीक है। तो वो कैसे रीड करवाएंगे हम लोग, देखिए हमारे पास में क्या है, सबसे पहले आइटम नंबर, और यही सेम आइटम नंबर हम लोगों ने मेजर बिल के अंदर भी दिखा रखा है, ताकि हम लोग जो है वो डेटा रीड करवा सकें किसी भी एक आइटम, मतलब जैसे कि आइटम है इसका हम लोग को पूरा डेटा यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर फॉर्मूले नहीं आते तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आ जाएंगे, ये जो फॉर्मूला है उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चाहिए अप टू डेट क्वांटिटी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसी के लिए बना रहा हूँ, सारी जितनी भी यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं सेम उसी से पूरे लगने वाले हैं ये, ठीक है। तो अप टू डेट क्वांटिटी चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये क्वांटिटी हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सम इफ़ का, तो हम लोग सम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में एक ही कंडीशन है और इसी को हम लोगों को लेके वो डेटा उठाना है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सम इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मल्टीपल डेटा होता तो हम लोग सम इफ्स का यूज़ करते, मतलब इफ़ और एस यहाँ पे लग जाता, और अगर आप लोग, अगर आपके पास में सिंगल डेटा भी है तो भी आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे या आसान लगे वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सम इफ्स का हम लोगों ने लगाया, अब सम रेंज देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, ये सम रेंज चाहिए इसको, तो सम रेंज हम लोग निकालेंगे, तो सम रेंज कहाँ से आएगी, हमारा जो ये डेटा है एमबी वाला, तो सम रेंज हम लोगों को क्या सम करना है, तो हम लोगों को सम करना है ये वाला डेटा, क्योंकि ये क्या है, पूरी क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हम लोगों को क्या कहाँ से चाहिए डेटा, यहाँ से चाहिए पूरा, इस कॉलम में से हम लोगों को डेटा चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, जैसे ही मैं कोमा लगाता हूँ यहाँ पे, कोमा लगाने के बाद में क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया क्या, तो हम लोगों को क्या डेटा यूज रीड करवाना है, ये डेटा रीड करवाना है, ठीक है। तो ये डेटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला कॉलम हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा अब यहाँ से रीड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन मतलब हम लोगों को क्या वैल्यू रीड करवानी है, मतलब क्या वैल्यू के रिफरेंस में हम लोगों को क्वांटिटी रीड करवानी है, तो वो वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर ये वाली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 30 क्वांटिटी रीड आ गई है, ठीक है, मतलब 150-60 की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 क्वांटिटी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है इस मेजरमेंट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सम ये हो गया। अब ये तो यहाँ पे थी 150-60 की, और ढूंढिए क्या कहीं पे है, देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो डेटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता है वो सारा एक जगह पे सम हो जाता है उस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे इसका सम जो है वो 30 है, जो एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर पूरा का पूरा दिखा रहा है, ठीक है। अब इस बिल का डेटा किस तरीके से उठाना है, ठीक है, तो जो अपना केस है, अब ये आप कुछ भी अपने हिसाब से दिमाग लगा के कर सकते हो, जो अपना केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए दिस बिल का अमाउंट, ठीक है, प्रीवियस बिल का अमाउंट कैसे आएगा, दिस बिल का क्वांटिटी चाहिए हमको, अमाउंट नहीं क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ से कैसे आएगा डेटा, आप देख सकते हो माइनस करना है हम लोग को इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम, मतलब ये वाली सेल में से ये वाली सेल माइनस करेंगे तो ये वाला यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब ये वाला डेटा किस तरीके से आप लोगों को रीड करवाना है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ईजी है, वापस से वही जो हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो लगाएंगे सम इफ्स का, ठीक है। अब सम रेंज क्या होगी, वही क्वांटिटी, कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ पे है, इस वाले कॉलम में हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज वन, ठीक है, हम लोगों को क्राइटेरिया कहाँ से उठाना है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस बिल का मतलब इस महीने का जब हम लोग बिल बना रहे हैं तो उसका आर ए बिल नंबर नहीं होगा, तो ये वाला जो कॉलम है आप देख सकते हो आर ए बिल वाला यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। तो अब जिसका नहीं है डेटा उसको किस तरीके से उठाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप लोग इजीली कर पाओगे अगली बार से जब ये देख लोगे आप। तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस वाला, ये वाला हमारा क्राइटेरिया है, और इस वाले क्राइटेरिया में हम लोगों को क्या, अब ये क्या है ब्लैंक,
इसमें कुछ भी डेटा नहीं है तो भाई रीड कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग अपोस्ट्रोपीज जो हैं लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोपीज दो हम लोगों ने लगा दिया, मतलब ये क्या दर्शाता है, ब्लैंक। अगर आपने कुछ भी, मतलब ये क्या दिखाता है, डेटा, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोपी लगाया मैंने, और अगर मैंने LHS लिख दिया तो अगर LHS इस वाली सेल के अंदर होगा तो LHS वाला पूरा डेटा वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ब्लैंक डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस और स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना है, और उसको सिंपली बंद कर देना है, और उसके बाद में ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। ये जब आपने किया और एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से डेटा आपका आया है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ समझाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा सम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, वो कंडीशन क्या नहीं दी है मैंने, कि भाई कहाँ से डेटा उठाना है हमको, ठीक है, कौन से वाले क्राइटेरिया के लिए डेटा उठाना है। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया तो ले लिया ब्लैंक वाला, ठीक है, उसका हम लोगों ने काम कर दिया। अब उसके बाद में जब हम कॉलम लगाएंगे तो दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो अब क्राइटेरिया की रेंज दूसरी क्या होगी। देखो, हम लोगों को 150-60 वाला डेटा ही सम करना है सिर्फ और सिर्फ, तो हम लोग वो वाला कॉलम से यहाँ पे करेंगे एक बार, कि भाई आपकी क्राइटेरिया रेंज क्या है, सॉरी क्राइटेरिया रेंज हम लोगों को यहाँ पे करनी है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्योंकि सम तो एक रेंज हम लोगों को पता है कि उसी रेंज का हम लोगों को सम करना है। उसके बाद में क्राइटेरिया चेंज होंगे और उनकी रेंज चेंज होगी। जैसे कि हम लोगों को ये वाला जो है हमारा, ये वाला पूरा डेटा, इसमें से 150-60 वाला डेटा रीड करवाना है, और इसकी फिर क्राइटेरिया क्या होगी, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट में जाएंगे तो भाई क्राइटेरिया क्या होगी, ये। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में जब हम लोग एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, इस बिल का क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग चीज़ें ईजी कर सकते हो, अब ये पूरा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे आपके पास में पूरा डेटा जब रेडी होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट बिल में DPR नंबर कॉपी करना है, और वो कॉपी करने के बाद में आपका सारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको एक कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे कि आइटम नंबर है उसका सम जो है सबसे लास्ट में आपको दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सबसे लास्ट तक जहाँ पे भी है वहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, और उसको यहाँ पे नीचे लाके आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया एक बार, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट करनी पड़ेगी, हम लोग अगर डेटा पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला रीड करेगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पेस्ट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब इसमें से आप कर दीजिए डुप्लीकेट्स को रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटा पे आएंगे, डेटा में अंदर जाने के बाद में रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे AR पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को जो डेटा चाहिए उसमें से ही आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है। तो जो भी डेटा चाहिए उसमें से आप लोग कर दीजिए, तो यूनिक वैल्यूज़ अब बच जाएगी। देखिए जैसे कि डैश बच गया, इसका काम नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा डेटा हमारे पास में है जिसका एक पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे सम दिखा सकते हैं, हर एक पर्टिकुलर बिल वाइज, मतलब एक अप टू डेट भी दिखा सकते हैं इसमें, जैसे कि अप टू डेट कितना है उस तरीके से हम लोग टोटल दिखा सकते हैं, उसके लिए हम लोग कॉलम जो है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस सिर्फ और सिर्फ दिस बिल का जो भी है वो यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से वही करने के लिए सेम आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला जो आपने अभी उधर में लगाया था पीछे में, वो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सम इफ़ का यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक का मुझे चाहिए वो डेटा मैं उठा लेता हूँ, जैसे कि मुझे पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा डेटा जो है वो चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी जो मैं अभी सुधारना चाहूँगा, अभी मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे रेंज सिलेक्ट करना है कि भाई आपका जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है, तो मुझे ये वाला डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ये वाला डेटा जब सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे लगाना है कोमा, कोमा लगाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर क्राइटेरिया दिखा रहा है, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा है ये वाला। अब इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि ये सम रेंज फ्रीज करने पे क्या रहेगा कि जब हम लोग नीचे में ड्रैग करेंगे तो ये हम लोगों को दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद में
अब यहाँ पे देखिए मांग रहा है सम रेंज, भैया आपको क्या सम करना है आप वो दिखा दीजिए, मैं आपको सम करके दे दूंगा पूरा, ठीक है। तो ये वाला डेटा हम लोगों को पूरा सम करवाना है जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, ये पूरा डेटा हम लोगों को सम करवाना है, ठीक है। तो ये इफ़ वाली कंडीशन हो गई है, तो ये इफ़ वाली कंडीशन में क्या करेगा अभी, वो ये पूरा का पूरा डेटा उठाएगा यहाँ से, मतलब ये अप टू डेट का पूरा डेटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा आपका, राइट। तो ये 4.9 यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आप इसको सिंपली क्या कीजिए, ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, तो ये पूरा टोटल डेटा आपका अभी तक कितना काम हो गया है उसका पूरा डेटा यहाँ पे रीड करके ये पूरा का पूरा दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को बिल जो है वो बनाना है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो लंबा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद में करने के लिए जाओगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो यही था इसमें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो उसको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए देखते रहिए सिविल ज्ञान।